औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम जी। आज बन रहे हैं जी चिकन और वेजिटेबल्स रोल्स। इसके लिए हमें चाहिए जी वो इसके लिए हमें चाहिए वीवर्स शिमला मिर्च, गाजर और जी बंद गोभी जितनी भी आपने डालनी है। चिकन उबाल लिया है हमने, उबाल के ऐसे छोटा छोटा कर लिया है चिकन को। और ये है जी, इसमें से यखनी हमने निकाल ली है। 1 कप यखनी, 1 कप खुश्क मैदा चाहिए, नमक और सुरख मिर्च हसबे जायका चाहिए, और थोड़ा सा हमने इसमें मैदा घोल लिया है रोल पट्टी को जोड़ने के लिए व्यूवर्स, ठीक है। और ये रोल पट्टी के इजीली चीप प्राइस में मिल जाते हैं, ये चाहिए, ठीक है व्यूवर्स। अब स्टार्ट करते हैं हम। व्यूवर्स हमने ये मैदा 1 कप जो लिया था वो डाल दिया है व्यूवर्स। अब इसमें 2 टेबल स्पून, 2 खाने का चम्मच हमने ऑयल डालना है। 2 टेबल स्पून हमने इसमें ऑयल डाल के अब इसको हल्की आग पे हमने मैदे को भूनना है। भूनने के बाद 5 मिनट के बाद मिलती हूँ आपसे। अच्छा व्यूवर्स, ये मैदा भून चुका है, अब इसमें डाल देना है हमने जी 1 कप यखनी। यखनी डाल के अच्छी तरह से हिलाएं। अब ये थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, हमने बनाना है थोड़ा सा लिक्विड, तो मैं इसमें 2 मग जो है ना पानी के भी डाल देती हूँ। अभी बस इसमें थोड़ा सा ये गाढ़ा हो गया था क्योंकि हमें ज़्यादा लिक्विड चाहिए, तो मैंने 1 कप पानी और डाल दिया। और इसको अच्छी तरह से जो है ना, इसकी जो गिल्टियाँ सी बनी हैं इसको अच्छी तरह से मुलायम कर लें। और इसमें डालना है हमने जी गाजर और शिमला मिर्च, जितनी आपने डालनी है आप डाल लीजिए। बॉइल्ड चिकन, बंद गोभी और नमक और सुरख मिर्च हसबे जायका डाल के आप मिक्स कर लीजिए अच्छी तरह से। बिल्कुल चीज़ जैसा टेस्ट आएगा, और गाढ़ा हो गया है। मैं आधा कप पानी और डालूंगी, आधा कप पानी देना। थोड़ी सी मैं इसमें कूटी हुई सुरख मिर्च भी डाल रही हूँ। सुरख कूटी हुई मिर्च से ज़रा अच्छा टेस्ट आ जाता है। सिर्फ 3-4 मिनट पकाना है ताकि रखनी है वेजिटेबल्स कच्ची पकी इसी तरह फ्रेश। ये देखिए मैंने थोड़ा सा पानी डाला है और ये ऐसे चाहिए थोड़ा सा हमें, ना बहुत ज़्यादा सख्त और ना बहुत ज़्यादा नरम, ऐसे इजीली देखें गिर रहा है। और बस ये कच्ची पकी थोड़ी सी सब्जियां 2-3 मिनट कम से कम पके जाएँ, तो बस रोल्स में डाल के हमने फिल कर लेनी है। अच्छा व्यूअर्स, ये जो हमारा है मटेरियल तैयार हो चुका है। मटेरियल हमारा देखें इस तरह से तैयार हो चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना गाढ़ा है, ये देखें यम्मी सा बना है। ऐसे लगेगा जो हमने डाला है इसमें मैदा, वो ऐसे लगेगा जैसे इसमें चीज़ डाला हुआ है। ये देखें इस तरह का बन तैयार हो चुका है हमारा। अब व्यूअर्स हमने लेने हैं रोल पट्टी के, ये मिल जाते हैं इजीली। इसमें जो है ना हमने फिलिंग करनी है, मैं दिखाती हूँ कैसे। व्यूअर्स इस तरह से लेनी है एक रोल पट्टी, बाकी के सेपरेट मैं साइड पर रख देती हूँ। इस तरह से रखनी है, ठीक है। अब जी ये जितना आपने मटेरियल डालना है उतना डाल दें, ठीक है। अब मैंने इतना डाल दिया है व्यूअर्स, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, मैंने कम कर रही हूँ। अच्छा जी व्यूअर्स, इस तरह से एक कॉर्नर इसका ये है, हमने ऐसे जो है ना रख दिया है। अब इसके चारों तरफ हम लगा देंगे ये मैदा घोला हुआ है या आटा घोल दें गाढ़ा सा, चारों तरफ इसके लगा दें ताकि ये सील बंद हो जाए अच्छी तरह से, ठीक है व्यूअर्स। अब यहाँ से एक कॉर्नर पकड़ना है इस तरह से, इसको गोल करते जाए व्यूअर्स, करते जाए। और ये जी गोल हो गया। उसके बाद ये किनारे हैं इसके,
किनारों पे ज़रा अच्छी तरह से लगा लें। ये किनारे हैं, इनको ऊपर करके बंद कर दें ताकि इसका मटेरियल किसी तरह से भी निकले ना। व्यूअर्स देखें, इस तरह से हमने सारे रोल्स बना लेने हैं। चलें मैं एक और दिखाती हूँ व्यूअर्स, बना के इसमें डाला इस तरह से मटेरियल, इस तरह से। अब इसका एक कॉर्नर लिया ऐसे, ये जो तीनों साइड पे है इसको आटा घोल के आप लगा लें ताकि अच्छी तरह से ये सील हो जाए, ठीक है। ये अच्छी तरह से आटा घोल के मैंने साइडों पे लगा ली है। अब इसको जी ऐसे रोल बनाते जाएं, देखें ये इसका अच्छी तरह से, इसको थोड़ा सा प्रेस कर दें, दबा दें ताकि यहाँ से खुले ना। अब इसका ये कॉर्नर इसको ऊपर दबा दें, थोड़ा सा प्रेस कर दें, और ये वाला कॉर्नर इस पर थोड़ा कम लग रहा है, इसको मैं थोड़ा सा और लगा के इसको ऐसे प्रेस कर दिया और इसको भी प्रेस कर दिया। ये बन चुके दो रोल, ऐसे ही सारे बना लेने हैं व्यूअर्स। अब व्यूअर्स ऑयल को, हमारे रोल्स बन चुके हैं, अब ऑयल को आपने तेज़ गर्म कर लेना है, ज़्यादा धीमी आंच पे नहीं फ्राई करने, क्योंकि जस्ट हमने इसको बाहर से कलर देना है, अंदर जो मटेरियल है वो कुक है हमारा, बना हुआ पका हुआ है। अब ऑयल गर्म हो जाए फिर इंशाल्लाह फ्राई करके दिखाती हूँ आपको। अच्छा जी, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है व्यूअर्स, अब हम इसमें डाल के फ्राई कर लेते हैं, डीप फ्राई कर लेते हैं। मज़ेदार से बन रहे हैं, चाय के साथ बना लें आप, ये बना के फ्रीज भी कर सकते हैं और जब दिल करे फ्राई कर लें। अब ये एक साइड से फ्राई हो जाएंगे, फिर मैं इनकी साइड चेंज करके दिखाऊंगी आप। देखें अभी बस मज़ेदार से डीप फ्राई हो रहे हैं, रोल तैयार हो रहे हैं और ये यमी होंगे, और अंदर जब खाएंगे तो टेस्ट ऐसे आएगा जैसे चीज़ का होता है। आप इसमें व्यूअर्स ऐसे कर सकते हैं, जखनी मैंने डाली है और थोड़ा सा पानी डाला है, तकरीबन 1.5 कप पानी गया है तो 1 कप जखनी गई है। आप पानी की जगह दूध भी डाल सकते हैं, दूध डाल देंगे तो बिल्कुल 100% चीज़ जैसा टेस्ट आएगा। इसमें जखनी या दूध डालेंगे सारा कुछ वो पी जाता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, जो हमने मैदा डाल के भुना है वो सारा इसका पानी जो है ना मॉइस्चर पी जाता है। व्यूअर्स ये देखें जी, मज़ेदार से रोल तैयार हो चुके हैं व्यूअर्स। चलें जी अब एक मेहमानों को खिलाएं या खुद खाएं, मज़ा आ जाएगा, केचप के साथ खाएं, बहुत शमी और मज़ेदार टेस्टी। ये देखें व्यूअर्स, केचप के साथ मज़ा आ गया, टेस्टी टेस्टी रोल्स।